नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं याशिका गुप्ता। महादेव के विशालकाय द्वारपाल शक्ति और भक्ति की वो मूरत है जिनकी आज्ञा के बिना महादेव के दर्शन नहीं होते। बैंगलोर के बासवागुड़ी के बिगबुल मंदिर में भक्तों को दर्शन होते हैं 15 फीट के विशालकाय नंदी के। इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों की निगाहें उस विशालकाय प्रतिमा को एकटक निहारती ही रह जाती हैं। भोले करते हैं तीनों लोगों का उद्धार, लेकिन एक भक्त ऐसा जो उठाता है भोले का भार। उनके बिना अधूरा है शिव परिवार। शिवाय नमः शिवाय। उनकी मर्जी के बिना नहीं खुलता महादेव का द्वार। नंदी यानी भगवान भोले के द्वारपाल, जिनकी इच्छा के बिना भक्ति के द्वार नहीं खुलते, जिनकी मर्जी के बगैर शिव शंकर किसी से नहीं मिलते। यही वजह है कि हर शिव मंदिर के बाहर उनकी मूर्ति जरूर रहती है और उनके दर्शन करके ही भक्त शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं। नंदी भक्ति और शक्ति का प्रतीक है और शक्ति का ऐसा ही विशाल स्वरूप देखने को मिलता है बिगबुल मंदिर में। बैंगलोर की बसवनगुड़ी में बुक टेंपल रोड पर स्थित है बिगबुल मंदिर, जहां प्रवेश करते ही भक्तों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि यहां प्रवेश करते ही नंदी की विशालकाय प्रतिमा करती है महादेव के भक्तों का स्वागत और भोले भंडारी तक पहुंचाती है उनके भक्तों की गुहार। यूं तो महादेव के हर मंदिर के बाहर नंदी विराजमान रहते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस बिगबुल मंदिर में नाम के ही अनुरूप नंदी की एक ही पत्थर की काले रंग की विशालकाय प्रतिमा मौजूद है, जो 15 फीट ऊंची और करीब 20 फीट चौड़ी है और जो दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होती है। आई एम फ्रॉम बैंगलोर, दिस इज द बिगेस्ट नंदी टेम्पल। इट्स ग्रोइंग लाइक इट इज ग्रोइंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स। Here so many people will come. There is a faith that if we come here, if we pray something, it's going good. Like whatever we pray here, whatever we ask, that will be fulfilled by the God. So it's the biggest, and it's a old, it's a past 500 years back. From 500 years back, it's there. बिगबुल मंदिर के नाम पर ही इस इलाके का नाम बसवनगुड़ी पड़ा है, क्योंकि स्थानीय भाषा में बसवन का अर्थ होता है बुल और गुड़ी का अर्थ होता है मंदिर, और हिंदू धर्म में बुल को नंदी से जोड़कर ही देखा जाता है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम बिगबुल रखा गया। मान्यता है कि 16वीं शताब्दी में बने इस मंदिर की स्थापना बेंगलोर के संस्थापक केम्पी गौड़ा ने की थी। So this is Bull Temple located in Bangalore city, Bangalore South city. So this Bull Temple, Big Bull Temple is about 500 years old. This bull, that is Nandi statue, was found naturally in the year 1537. So king named by Kempe Gowda, he was the founder of Bangalore city and he was ruling this place. He has built a temple around this in the year 1537. This is a second biggest Nandi statue in South India. There are 7 like this in South India itself. So this is about 12 feet height and 20 feet length. The monolithic statue. क्यों इस मंदिर का नाम बिगबुल रखा गया? क्या है इस मंदिर में मौजूद नंदी की विशालकाय प्रतिमा के स्थापित होने की कहानी? ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस मंदिर में पूजा व श्रृंगार के अनोखे विधि विधान को, जहां मक्खन से किया जाता है नंदी का अभिषेक। कहते हैं इस श्रृंगार में करीब 100 किलो मक्खन का इस्तेमाल होता है, जिसके दर्शन कर भक्त निहाल हो उठते हैं। यह मंदिर मैंने पहली बार देखा है, बहुत अच्छा मंदिर है। नियरली अबाउट सो मेनी इयर्स आई गो, दिस मंदिर इज बिल्ट एंड आई एम हैप्पी फॉर सीइंग दिस मंदिर। सुबह सवेरे 6 बजे मंदिर आम भक्तों के लिए खोल दिया जाता है, जो रात 8 बजे तक खुला रहता है। कहते हैं यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता,
बिगड़े काम बनाते हैं महादेव और भक्तों पर खुशियां लुटाते हैं महादेव। तभी तो नंदी संघ शिव के इस मनोहारी रूप के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कैमरामैन मधु के साथ प्रतिभा रमन की रिपोर्ट, बैंगलोर आज तक। कहते हैं महादेव एक बार जिसे गले लगा लेते हैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, जिस पर औगड़धानी की कृपा बरसती है वो हो जाता है अजर अमर, शिव के परम भक्त। उनके वाहन नंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कोई भी शिवाला हो या फिर कोई मंदिर, हर जगह नंदी, शिव और पार्वती संग नजर आते हैं। लेकिन इस धरती पर एक जगह ऐसी है जहां नंदी बिन विराजते हैं महादेव। एक ऐसा मंदिर जहां नंदी बिन शिव है विराजमान। जहां का दर्शन धो देता है हर पाप। वो है नासिक का कपालेश्वर धाम। पवित्र नदी गोदावरी के तट पर बसी नासिक नगरी, जिसे देवताओं की नगरी कहा जाता है। हिंदू तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र और कुंभ नगरी होने के कारण इस नगरी का धार्मिक महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और इसी नगरी में ही बसा है महादेव का एक ऐसा धाम जो इसे अलग पहचान दिलाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले भंडारी का एक ऐसा मंदिर जिसमें शिव तो हैं लेकिन उनका साथी नंदी नहीं। जी हाँ, नासिक के गोदावरी तट पर बने कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने जब लोग पहुँचते हैं तो उन्हें भोले तो दिखते हैं लेकिन उनके वाहन नंदी नहीं। शिव रामेश्वर हर हर भोले नमः शिवा। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक देवलोक में एक बार देवताओं की सभा लगी थी जिसमें पंचमुखी ब्रह्मा जी के चार मुख वेदों का पाठ कर रहे थे जबकि पांचवा मुख शिव और विष्णु की निंदा कर रहा था। अपनी निंदा से क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा के ही अस्त्र ब्रह्मास्त्र से उनके पांचवें मुख को काट डाला। ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे लिहाजा भगवान भोले को ब्रह्म हत्या के पाप का भागी बनना पड़ा। कहते हैं ब्राह्मण की हत्या का पाप लिए नासिक में शिव जी अरुणा और गोदावरी के तट पर हताश होकर बैठे थे। तब उनके सामने ही एक गाय और उसका बछड़ा एक ब्राह्मण के घर के सामने खड़े थे। वो ब्राह्मण बछड़े के नाक में रस्सी डालने का प्रयास कर रहा था, बछड़ा उसका विरोध कर रहा था और विरोध में ब्राह्मण को मारना चाहता था। उस वक्त गाय ने उसे कहा कि बेटे ऐसा मत करो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। बछड़े ने उत्तर दिया कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय मुझे मालूम है। ये बात सुन रहे शिव जी के मन में उत्सुकता जागृत हुई। बछड़े ने ब्राह्मण को अपने सींग से मारा, ब्राह्मण मर गया। ब्रह्म हत्या से बछड़े का अंग काला पड़ने लगा। तभी बछड़ा गोदावरी नदी के राम कुंड में आया, उसने वहाँ स्नान किया और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। ये देख शिव जी ने भी राम कुंड में स्नान किया और उन्हें भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। हे शिव शंकर, हे करुणा। नंदी के मार्गदर्शन से महादेव खुश हुए। कहते हैं नासिक के गोदावरी तट पर इसी जगह पर शिव ने नंदी को अपना गुरु स्वीकार किया और उन्हें सम्मान देते हुए कहा कि कपालेश्वर मंदिर के द्वार पर तुम्हारी मूर्ति नहीं रहेगी। यही नहीं, यहाँ जो भी आएगा उसे समस्त द्वादश ज्योतिर्लिंगों से भी ज्यादा दर्शन पूजन का फल मिलेगा। तो वो नंदी वहाँ से वो दौड़ते दौड़ते यहाँ पे जो हाँ अरुणा वरुणा और गोदावरी का संगम है जिसको रामकुंड कहा जाता है, तो वहाँ पे आए और नंदी जी पानी में जैसे जैसे गए तो वो काले पड़े हुए नंदी जी जैसे जैसे पानी से नहा के बाहर आए तो वैसे पहले की तरह पूरी तरह से शुभ्र हो चुके थे और उनका ब्रह्म हत्या का पातक भी जा चुका था। तो ऐसी ये कथा, तो इस कथा के हिसाब से अगर देखा जाए तो लास्ट में अंत में उन्होंने ऐसा कहा गया कि ये कथा शिवजी को भी मालूम थी लेकिन सब लोगों को पता चलनी चाहिए
इसके लिए नंदी के माध्यम से ये कथा उन्होंने सब लोगों को कही और बाद में यहाँ पे नंदी ने उनको ये मार्ग दिखाया, इसलिए नंदी यहाँ पे उनके गुरु कहलाए। और यहाँ पे एक पूरे विश्व में एक ऐसा ही शिवलिंग है कि जिसके सामने नंदी नहीं है। हर मुराद होती है पूरी। सुबह सवेरे महादेव के अभिषेक के साथ मंदिर में पूजा आराधना का सिलसिला आरंभ होता है। ब्रेक के बाद आपको दर्शन महादेव के एक ऐसे रूप की कराएंगे जिनके दर्शन मात्र से भक्तों को मिल जाता है अमृत्व का वरदान। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से 30 किलोमीटर दूर कैथी गांव में गोमती और गंगा के संगम पर बना है विशाल मार्कंडेय महादेव का मंदिर। और इसी मंदिर में पूरी भव्यता से विराजते हैं महादेव। जो भी भक्त मन में सच्ची श्रद्धा लिए भोले के इस दर पर आता है, भोले बाबा उसके समस्याएं दुखों को हर कर देते हैं, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिला देते हैं। महादेव का रूप चमत्कारी। शिवलिंग में समाई है शक्तियां सारी। मिलता है अमृत्व का वरदान। संतान की खुशियों से रोशन होता है घर बार। राम नाम के बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। शिव के महामृत्युंजय रूप को जरा गौर से देखिए। ये रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस रूप में बसते हैं साक्षात शिव और देते हैं भक्तों को आशीर्वाद। महादेव के इसी अद्भुत रूप के दर्शन करने और उनके चमत्कार अपनी आंखों से देखने के लिए महादेव के दरबार में हर रोज लगती है भक्तों की भीड़। और ऐसा हो भी क्यों ना, साक्षात शिव के दर्शन पाकर अगर जीवन हो जाए धन्य तो भला कोई और कामना बाकी कहाँ रह जाती है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से 30 किलोमीटर दूर कैथी गांव में गोमती और गंगा के संगम पर बना है विशाल मार्कंडेय महादेव का मंदिर। और इसी मंदिर में पूरी भव्यता से विराजते हैं महादेव, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों को मिल जाता है अमृत्व का वरदान। जो भी भक्त मन में सच्ची श्रद्धा लिए भोले के इस दर पर आता है, भोले बाबा उसके समस्त दुखों को हर कर दे देते हैं, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति। इतना ही नहीं, संतान के सुख से वंचित भक्तों का जीवन बच्चों की खुशियों से हो जाता है रोशन। यहाँ सर समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है बहुत होता है। सबसे अधिक जो है कि यहाँ पुत्र प्राप्ति हेतु अधिकांश लोग यहाँ पर आते हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ से निराश शास्त्र नहीं गया है। इसी को सुनकर भी हम जो अपनी मनोकामना लेकर के मार्कंडेय जी महादेव के दर्शन करने के लिए आए हैं और रुद्राभिषेक करवाएं ताकि हमें पुत्र की प्राप्ति हो सके। पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर मार्कंडेय ऋषि को अमृत्व का वरदान दिया था, तभी से यहाँ महादेव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कहते हैं लगातार 7 सोमवार यहाँ के दर्शन करने से भक्तों की संतान प्राप्ति की कामना जरूर पूरी होती है। धर्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।